फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है सोने का बर्थडे मेरी बेटी का। वो 16 इयर्स कंप्लीट कर रही है और हम लोगों की एनिवर्सरी और उसका बर्थडे सेम डे पड़ता है। मतलब हमारी वो 16 की होती है और हमारी शादी हो चुकी है 17 साल पूरे। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है, बहुत टाइम बाद। बहुत मैं बस क्या बोलूँ कि मैं लेट क्यों हो जाती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से सारा सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो रखा है। कोई शॉप पे लड़का है नहीं काम के लिए, इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि 11:30 बजे हम लोग शॉप बंद करके ऊपर आते हैं, तो बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। इस वजह से वीडियो मेरी रेगुलर बन भी नहीं पा रही। तो आज का जो स्पेशल वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि उसको वो 16 की हो रही है, तो उसके लिए हमने सरप्राइज़ रखा है। जैसे कि उसको पता है कि मम्मी थोड़ा बिजी रहते, तो शायद वो उसको ये लग रहा है कि मैं उसके लिए कुछ भी गिफ्ट लेके नहीं आई, लेकिन मैंने उसके लिए सरप्राइज़ रखा। और मैं मतलब मार्केट जाके ना चुपचाप बैंक जाने के बहाने से गई थी, और उसके लिए मैंने मतलब 16 गिफ्ट अलग अलग करके रैप किए हुए हैं। वो जब वो खोलेगी मैं उसका फिर तब आपके साथ में उसको शेयर करूँगी वीडियो को। तो उसके मतलब उसने अपना रूम खुद से सजाया है, क्योंकि मैं उसे पता है मम्मा पे टाइम नहीं होता, तो उसने और आजकल तो बाहर से किसी को बैलून डेकोरेट, जब ये लोग छोटे थे तो मैं बाहर से बैलून वाले को बुला लेती थी, तो वो कुछ अपना प्राइस लेके बैलून का प्राइस लगा के तो अपना डेकोरेट करके चले जाते थे। तो बहुत सिंपल बहुत आराम से घर सज सकता था। बाहर से वैसे अगर आप मंगाते हो जो सजाने वाले जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज होते हैं, तो इतना तो फालतू में पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घर घर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर आज उसने उसका मन था, तो बहुत अच्छे से उसने डेकोरेट किया। मैं आपको उसके रूम का पिक पूरा दिखाऊंगी रिकॉर्ड करके। तो अभी मैं आप लोगों को बस ये बता रही हूँ कि मैंने उसके लिए सरप्राइज़ जो दिया है उसके पापा ने, मैंने मिलके। उसके पापा तो भाई ये सारे काम तो गर्ल्स के होते हैं कि ये करना है वो करना है, तो ये मैंने क्योंकि उसके एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसका उसके बर्थडे पे उसके मतलब फैमिली मेम्बर ने इतने सारे, तो मुझे ये आइडिया आया क्योंकि आजकल तो नए नए लेटेस्ट क्या क्या आइडिया चल रहे हैं। जैसे कल उसकी फ्रेंड्स ने उसको रिकॉर्ड करके ना पूरी एक वीडियो बना के रिकॉर्ड करके सबने, क्योंकि लॉकडाउन में अब किसी से मिलना नहीं हो पा रहा, बच्चे अपने अपने घरों में, ना स्कूल है ना कुछ है, वरना हमेशा तो स्कूल वगैरह रहता है तो अपना वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो अब नया सिस्टम जो बन गया, सब अपना 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 हिस्से का जो भी मैसेज जो भी जिस तरीके से विश करना होता है तो वीडियो रिकॉर्ड। तो इसकी फ्रेंड का फ़ोन मेरे पास आया था, उसने मुझसे भी रिकॉर्ड करवाया, इसके पापा से भी रिकॉर्ड करवाया, तो हम लोगों ने अपने विशेज़ उसमें रिकॉर्ड करे। तो उसको मतलब 3 से 4 मिनट का वीडियो इसको उन लोगों ने इसके मतलब बर्थडे की नाइट में रात को 12 बजे से सेंड किया, तो ये बहुत सरप्राइज हुई। उसमें पापा भी शामिल है, क्योंकि पापा इसके थोड़ा से मतलब शांत नहीं, मतलब इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा जैसे बॉयज़ को होता है इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उस टाइप से सिंपल, तो उनको इतना पता नहीं होता। तो फिर मैंने उनको वीडियो दिखा, वो भी खुश हो गए, अच्छा इस तरीके से बनाना था ये, तो उनको फिर मैंने दिखाया। तो बातें बहुत सारी होगी, फिर मैं बर्थडे सेलिब्रेशन का जो है वो आपके साथ में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। और खुशी हो रही है कि मतलब थोड़ा सा नहीं, ये होता है कि बर्थडे के चक्कर में ना हम लोगों का कहीं बाहर नहीं निकलना हो पाता, तो घर में ही हम लोग कर लेते हैं सेलिब्रेट, क्योंकि शॉप का काम जैसे है तो छुट्टी तो उस तरीके से कर नहीं सकते। तो उसका बर्थडे भी हो जाता है और हमारा एनिवर्सरी भी होती है, हम एक दूसरे को केक खिला देते हैं और उसी में हमारी एनिवर्सरी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, मैं अपना गिफ्ट ज़रूर निकलवा लेती हूँ धीरे 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 करके, क्योंकि भाई अपना गिफ्ट तो ले लेना चाहिए, सेलिब्रेट करो या मत करो, कोई गिफ्ट के मामले में पीछे नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ में उसका अभी पूरा रिकॉर्ड करके फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये सारा मैंने उसके लिए पैक कर दिया, 16 ईयर्स की वो कंप्लीट हो रही, तो मैंने 16 गिफ्ट अलग अलग रैप करके, रैप करने में मेरी मदद सारी खुशी ने करी है। ये देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके पूरे का पूरा यहाँ पे मैंने 16 गिफ्ट उसके लिए पैक करके रखे हैं। और ये ऊपर जो सजाया है ये तो खैर उसने ही पहले सजाया था, अभी तो वो बाहर गई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ गिफ्ट मैंने पैक कर करके बैग पैक कर दूँगी। उसके बाद में आप लोगों को उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जब ये खोलेगी गिफ्ट। We'll be right back.